राजस्थान विधानसभा चुनावों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार के पीछे केवल आधा फीसदी का अंतर रहा है, इस बार इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को किसानों के कर्जमाफी के मुद्दे पर फेल बताया और जनता से पूछा कि आपको मजबूत सरकार चाहिए या फिर यूपीए की तरह मजबूर सरकार। कांग्रेस अब सत्ता में है, लेकिन सत्ता में होकर भी एक महीने में उन्होंने राजस्थान को पूरा निराश किया है। कर्ज माफी का आश्वासन दिया था राहुल गांधी जी ने, कहा था 1, 2, 3, 4 जैसे तेजाब में गाना था वैसे 10 गिनाए और 10वें दिन कर्जा माफ। अब 34 दिन हो गए, कहीं कर्जा माफ नहीं हुआ, एक केवल घोषणा पत्र जैसे आदेश निकला जिसका कोई न सर न पैर। ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जो गरीब को एम्पावर करने के लिए खड़ी रही, ऐसी मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए जो वीपी सिंह के समय हुआ या जो चंद्रशेखर जी के समय हुआ या जो, तो ये जो अल्पकालीन सरकारें थी वो एक पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण जो स्थिति पैदा होती है वो भयावह स्थिति को दर्शाती है। एक सपोर्टिंग दल भी सरकार को झुका सकता है। तो ये दूसरा सवाल है कि मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए।